हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमोल लेकर आया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कॉइनस्विच कुबेर की तरफ से। अगर आप मनी डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अभी तक, तो यह अपडेट आपके लिए बहुत काम का है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या अपडेट है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप अपने कॉइनस्विच कुबेर एप्लीकेशन में आते हो तो यहाँ पर डिपॉजिट INR के ऊपर जाते हो और यहाँ पर अमाउंट एंटर करते हो और डिपॉजिट के ऊपर जाते हो, तो यहाँ पर आपको एक खुशी की चीज़ देखने को मिलेगी कि अब आप जो पेमेंट जो है अभी NEFT RTGS IMPS के थ्रू भी कर सकते हो और उसी तरह से UPI के थ्रू भी कर सकते हो। अगर UPI के थ्रू आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर आपको आना है और आपका UPI ID यहाँ पर एंटर करना है। मैं अपना UPI ID एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर पे के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर UPI ID लेने के बाद आपको यहाँ पर आपका UPI जो भी आप यूज़ करते हो, आप भीम यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, फ़ोनपे यूज़ करते हो, उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं फ़ोनपे के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर फिर से UPI ID पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर UPI ID डाल देता हूँ अपना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेक पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको मैसेज आया है, टू कंप्लीट योर ऑनलाइन पेमेंट प्लीज फॉलो द स्टेप। आपको स्टेप फॉलो करना है। कौन सी स्टेप फॉलो करना है? क्लिक ऑन द लिंक सेंड बाय योर बैंक थ्रू SMS इन योर ऐप नोटिफिकेशन। यानी हमें फोन पे के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया है, वो हमें ओपन करना है और इस तरह से हमें करना है। तो चलिए चलते हैं फोन पे के ऊपर। तो यहाँ पर हम फोन पे के ऊपर आ चुके हैं और चेक करते हैं क्या हमें कोई नोटिफिकेशन मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको नोटिफिकेशन मिला है, BLLP has requested for 600 rupees। तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पर जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। मैं यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें बैंक चूज करना है और पेमेंट जो है वो कर लेना है। तो इस तरह से आपको पेमेंट जो है UPI के थ्रू करना है। उसी तरह से चलते हैं हम वापिस एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ से फिर से हम चलते हैं RTGS के ऊपर। मैं RTGS के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको अमाउंट एंटर करना है, डिपॉजिट के ऊपर आना है और डिपॉजिट के ऊपर आने के बाद आपको बैंक ट्रांसफर इसके ऊपर आना है। और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एक नया अकाउंट नंबर और यहाँ पर आपको ये जो अकाउंट नंबर है आपके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपके बेनिफिशियरी अकाउंट में ऐड करना है। बेनिफिशियरी अकाउंट में किस तरह से नंबर ऐड किया जाता है वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसके बारे में वीडियो ज़रूर बताऊंगा। हर एक बैंक का बेनिफिशियरी नंबर ऐड करने का प्रोसेस अलग अलग होता है, तो हर एक बैंक के हिसाब से आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टेप्स टू ट्रांसफर लिखा है, ऐड अबव बैंक डिटेल्स इन योर बैंक अकाउंट, सेंड फंड्स वाया IMPS, NEFT, RTGS, डिपॉजिट विल बी एडेड टू योर कुबेर अकाउंट वंस द ट्रांसफर इज कंप्लीटेड बाय योर बैंक। यानी बैंक की तरफ से जैसे ही ट्रांसफर हो जाता है तो ये डिपॉजिट अपना अपने अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पेमेंट करना है। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया। हम बहुत दिनों से पेमेंट डिपॉजिट के प्रॉब्लम को लेकर जूझ रहे थे, तो अभी UPI और बैंक ट्रांसफ़र ये दोनों ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल है कॉइनस्विच कुबेर एप्लीकेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।